political partisanship when we want to evaluate the role of political parties and participation specifically in context of building political behavior in developing and developed world then definitely we have to evaluate that uh, the first example we can take from the american political uh, science that uh, in american uh, politics and American poli experts of political science they explore that there are various uh, important variables uh, like that how the people try to vote and uh, what uh, voting choices are available, political engagements and partisan training and the influence of partisan elites. यानी वो लोग जो सियासी तरबियत करते हैं वो लोग जो लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं कि वो सियासत में सियासी अवामल में हिस्सा लें उनकी तरबियत में कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं हम इस बात को समझना चाहते हैं डेट इन मनी केसेस नो अदर सिंगल वेरिएबल कम्स क्लोज़ टू अकाउंटेबल एज़ वेल एज़ कंसिस्टेंटली फॉर अमेरिकन पोलिटिकल बिहेवियर आम तौर पर चूँकि मटीरियल uh, जो मिलता है या बहुत सारे जो पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने चूँकि अमेरिकन सोसाइटी को बेस बनाया चूँकि वहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी थी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे बहुत सारे माइग्रेंट्स थे जो आकर सेटल हुए तो उन सब लोगों पर जब पोलिटिकल बिहेवियर को समझना हो या उन फैक्टर्स को समझना हो कि सियासी जो शराकत दारी है वो कैसे बढ़ती है लोग कैसे सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पर चूँकि इम्पेरिकल डेटा आसानी से मिल रहा था तो आम तौर पर जो पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को ही बेस बनाकर बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं उनकी वजाहत जो है वो की है और उस फार्मूला को जब उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड पर अप्लाई किया तो यहाँ बाज़ात तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं वो फार्मूला वैसे अपलिकबल नहीं हुआ लेकिन बाजा अकात नतज जो हैं वो उनके हसूल मुमकिन हो सका बिकॉज पार्टीजनशिप रिमेन्स अटेंट पोलिटिकल फोर्स नॉन द लेस इफ़ द इंफ्लुंस ऑफ पार्टीजनशिप ऑन पोलिटिकल बिहेवियर इज़ नॉट इन डिस्प्यूट देयर रिमेन्स अ लाइवली डिबेट ऑन इट्स नेचर ओरिजन एंड मेयरमेंट because four aspects are important uh, through which we can understand uh, the political behavior like uh, through the lens of social identity theory of social identity kya hai? Pehle dekha jayega, the measurement of partisanship its social nature its origin in convergent identities and its ability to generate स्ट्रॉग इमोशन एंड ड्राइव पोलिटिकल इंगेजमेंट यानी सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि सियासी जो शराक़त है वो किस तरह से और कौन कर रहा है कौन उसकी तरबियत दे रहा है फिर उसकी सोशल नेचर क्या है यानी लोग लिहाज से किस तरह समझते हैं कि उन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनना है और किस वजह से बनना है और ख़ास तौर पर अगर वो सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे तो जो उनकी सोशल आइडेंटिटीज़ हैं यानी अगर कोई ख़ास एथनिक ग्रुप से है किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ है मज़हबी ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका किस क्लास से ताल्लुक़ है यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब इंसान इन फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को ड्रा करता है तो उसके पीछे क्या रीज़न या क्या लॉजिक होती है ये असल में इस टॉपिक का बेसिक ट्रक्स है द एप्लीकेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी थेरी इन ईच ऑफ दीज एरियाज हैव एडवांस्ड द स्टडी ऑफ पार्टीजनशिप इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिजनशिप ऑन पोलिटिकल बिहेवियर इज नॉट इन डिस्प्यूट दिस रिमेन्स अ लाइवली डिबेट ऑन इट्स नेचर ओ एंड मेजरमेंट अच्छा अब हमें यहाँ ये देखना है कि जहाँ जब हम बात करते हैं सोशल आइडेंटिटी थेरी की कि हर फ़र्द के लिए अपनी सोशल आइडेंटिटी थेरी इम्पॉटेंट है उसको अपनी शनाख्त सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट अपने लिए हर फ़र्द रखता है और वो कभी भी उसको लूज़ नहीं करना चाहता और किसी भी अमल का हिस्सा बनने में अगर सोशल आइडेंटिटी थेरी एट रिस्क आ जाए तो फिर वो क्या फ़ैसला करेगा क्या प्रेफरेंस होगी कि किस तरीके से आ, उसको सियासी अमल में अपना रोल जो है वो प्ले करना है दैन डेफिनेटली देर आर वेरियस औरिजन्स इन कन्वर्जेंट आइडेंटिटीज एंड इट्स एबिलिटी टू जनरेट स्ट्रोंग इमोशंस एंड ड्राइव पोलिटिकल इंगेजमेंट्स अब हमें यह भी समझना है कि जब फर्द या अफराद इकट्ठे रहते हैं तो उनके लिए सिर्फ अपनी आइडेंटिटी तो इम्पॉटेंट है लेकिन इसके साथ कुछ और फोर्सेस भी होती हैं जो एक्टिव हो जाती हैं जैसे ख़ास तौर पर कन्वर्जेंट आइडेंटिटीज़ यानी अगर ये देखा जाए कि अगर एक खास ग्रुप अगर किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सादार बन रहे हैं तो उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा बल्कि वो एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं तो उस वो ये ये एक फ़ोर्सफुल फैक्टर बन जाएगा के कन्वर्जेंट आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अगर सियासी अमल में ज़्यादा शराकत के मौक़े देंगे तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर रोल प्ले करेगा और फिर पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी दैन द एप्लीकेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी थेरी ईच ऑफ़ दिज एरियाज़ एडवान्स द स्टडी ऑफ पार्टीजनशिप अब हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीजनशिप का कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसके अंदर एक चीज़ ने बहुत अहम रोल प्ले किया कि जहाँ जहाँ भी सोशल आइडेंटिटी थेरी का किरदार है जहाँ लोगों के लिए अपनी शनाख्त मैटर करती है बाज़ वो अपनी शनाख्त की खातिर सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं बाज़त वो सिया अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए वो दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर कोशिश करना चाहते हैं लेकिन उनका बुनियादी जो नुक़ः नज़र होता है लोगों के अंदर जो एक आम फिक्र होती है वो ये है कि उनकी शनाख्त को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए जितनी भी सियासी शराकत दारी है जितनी भी पोलिटिकल पार्टिसपेशन है उस सब की के लिए अहम ये है कि अफराद को नुकसान उनकी शनाख्त का नुकसान ना हो बल्कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से उनकी शनाख्त का तहफ़ जो है वो किया जा सके